हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सो फर्स्ट वी हैव लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को सिक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्च एल्गोरिथम। तो लीनियर सर्च सबसे ज़्यादा सिंपल सर्च एल्गोरिथम है। इन दिस यू नीड टू ट्रेवल द एंटायर लिस्ट एंड कीप कंपेयरिंग द एलिमेंट टू बी सर्च विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। लीनियर सर्च में आप कैसे सर्च करते हो, जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है, राइट, उसको आप क्या करते हो, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे कंपेयर करते हो वन बाय वन। जो भी मान लो आपको ये एलिमेंट सर्च करना है वन, तो ये क्या, जो एलिमेंट वन है वो लिस्ट के फर्स्ट आइटम के साथ कंपेयर होगा, फिर सेकंड आइटम के साथ कंपेयर होगा, थर्ड आइटम के साथ कंपेयर होगा। तो इस तरीके से अगर वो एंड में जाके मिलता है तो क्या होता है, कंप्लीट लिस्ट भी ट्रेवर्स करनी पड़ती है समटाइम्स। और समटाइम्स जहां पे भी आपको मिल जाता है वो एलिमेंट, कंपेयर हो जाता है, वहां पे आपकी सर्च स्टॉप हो जाती है। ओके, इफ अ मैच इज फाउंड यू कैन स्टॉप द सर्च एल्स कंटिन्यू। अगर मैच मिल जाता है, ओके, जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो एलिमेंट आपको लिस्ट में मिल जाता है, तो आपकी सर्च सक्सेसफुल हो जाती है और सर्चिंग स्टॉप हो जाती है, अदरवाइज आप कंटिन्यू करते हो टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके, नाउ अब हम देखेंगे लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि एक लीनियर सर्च सर्च करने में, एक एलिमेंट को सर्च करने में कितना टाइम लेती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री केसेस हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। फर्स्ट वी हैव बेस्ट केस। सबसे पहले आपके पास है बेस्ट केस, राइट, द बेस्ट केस। और बेस्ट केस क्या है आपका, ऑर्डर वन। ओके, द बेस्ट केस अकर व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। तो बेस्ट केस कब होता है, जो भी एलिमेंट आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो आपको लिस्ट के बिगनिंग में ही मिल जाए, वो फर्स्ट एलिमेंट ही वो एलिमेंट हो जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट। सिंस ओनली वन कंपेरिजन इज मेड, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर वन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपेरिजन हुआ है, ओके, आपने क्या किया, आपने टारगेट एलिमेंट को लिया, उसको कंपेयर करना स्टार्ट किया लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से। अब सेकंड एलिमेंट से कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही क्या है, कंपेयर हो गया। ओके, तो यहाँ पे बहुत कम टाइम लगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर वन, राइट, बिकॉज वी हैव मेड ओनली वन कंपेरिजन हेयर। This represents the minimum time required for an algorithm to complete when given the optimal input, right? Okay. तो यहाँ पे एक example देखो, हमारे पास एक array है A, उसके elements हैं 3, 4, 0, 9, 8, और आपको target element क्या है आपका, जो आपको find out करना है, 3। Here the target is found at A0, आपको 0 index पे ही आपका 3 मिल गया, तो सिर्फ 1 ही comparison करना पड़ा, right? तो ये आपका क्या होगा, best case हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम लगेगा एलिमेंट को फाइंड आउट करने में। ओके, एंड इट इज ऑर्डर वन। ओके, आप इसको क्या कह सकते हो, ऑर्डर वन को कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो दिस इज आर बेस्ट केस। अब आपका आता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या है आपका, ऑर्डर एन। ओके, आप इसको ऑर्डर एन भी बोल सकते हो, आप इसको ओ ऑफ एन और बिग ओ ऑफ एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेयर एन इज द साइज ऑफ द लिस्ट। एन क्या है, लिस्ट का साइज है। द वर्स्ट केस अकर व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज फाउंड एट द एंड ऑफ द लिस्ट और इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट और एरे। वर्स्ट केस कब अकर होगा, जब आप जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो, ओके, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो वो आपको लिस्ट के एंड में मिले। तो यहाँ पे आपको अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आपको एन नंबर ऑफ कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस, ऐसे आपको एन नंबर ऑफ कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे। ओके, या तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा एट द लास्ट पोजिशन या फिर एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। ओके, तो ये कौन सा केस हो जाएगा आपका, वर्स्ट केस, राइट। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कौन सी है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर एन। ओके, सिंस यू नीड टू ट्रेवल्स द एंटायर लिस्ट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर एन एज एन कंपेरिजन्स आर नीडेड, राइट। तो यहाँ पे आपको एन कंपेरिजन्स करने पड़े हैं। दिस डिनोट्स द मैक्सिमम टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक टू फिनिश फॉर एनी गिवन इनपुट। इस केस में क्या होगा, एक एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम लेगी एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए, राइट, अपने पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए।
नेक्स्ट वी हैव एवरेज केस. एवरेज केस में सिक्वेंशियल सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है. जैसे वर्स्ट केस में ऑर्डर एन थी, वैसे ही एवरेज केस में भी ऑर्डर एन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो लिस्ट के अंदर, आपको नहीं पता है वो कहाँ मिलेगा, राइट? तो इस केस में भी आप कितने कंपेरिजन्स कर रहे हो, आप एन नंबर ऑफ कंपेरिजन्स कर रहे हो, राइट? तो एवरेज केस में भी लीनियर सर्च की या सिक्वेंशियल सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. फाइन, देखो द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च इज ऑल्सो ऑर्डर एन. दिस डिनोट्स द एवरेज टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक टू फिनिश फॉर एनी गिवन इनपुट. तो इस केस में एक एल्गोरिदम एवरेज टाइम लेता है, राइट, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए. नेक्स्ट वी हैव द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिक्वेंशियल सर्च. सिक्वेंशियल सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? एक सिक्वेंशियल सर्च कितना स्पेस मेमोरी का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट, जब आप सिक्वेंशियल सर्च को एग्जीक्यूट करते हो. फाइन, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च इज ऑर्डर वन. तो यहाँ पे कहा गया है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिक्वेंशियल सर्च की क्या है? ऑर्डर वन है. ऑर्डर वन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है? कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एज वी डोंट नीड एनी ऑक्सिलरी स्पेस फॉर द एल्गोरिदम. तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं चाहिए. आपके पास एक लिस्ट है जो आपने ऑक्यूपाई कर दी मेमोरी के अंदर, ओके, और आप लिस्ट के आइटम को सर्च कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा एड ऑन आइटम्स इसके अंदर आप नहीं डाल रहे हो. फाइन, तो ये इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर एन है. यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस नहीं लिया जा रहा है. फाइन, ऑर्डर एन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है? कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी. व्हेन द एल्गोरिदम टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट साइज एन. यहाँ पे एल्गोरिदम सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है चाहे इनपुट साइज कितना भी हो, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो सिक्वेंशियल सर्च की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर वन, ओके. नेक्स्ट वी हैव बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग एल्गोरिदम विच वर्क्स एफिशिएंटली ऑन शॉर्टेड एलिमेंट्स. बाइनरी सर्च मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है, राइट? तो ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जो एफिशिएंटली वर्क करता है शॉर्टेड एलिमेंट्स पर, शॉर्टेड लिस्ट पर, शॉर्टेड एरेज पर, राइट? इट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर्स एल्गोरिदम इन विच वी कंपेयर द टारगेट एलिमेंट विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. आपको जो भी एलिमेंट सर्च करना होता है वो आप लिस्ट के मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हो. इफ दे आर इक्वल देन इट इंप्लाइज दैट द टारगेट इज फाउंड एट द मिडल पोजिशन. अगर आप फर्स्ट टाइम में ही मिडल एलिमेंट के साथ कंपेरिजन जब करते हो तो आपका एलिमेंट अगर मैच हो जाता है तो क्या होता है, आपकी सर्च सक्सेसफुल हो जाती है. एज वी रिड्यूस द सर्च स्पेस बाय हाफ. नहीं तो हम क्या करते हैं, जो आपके लिस्ट का साइज होता है उसको हाफ कर देते हैं. कैसे? डेट इज अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन आइदर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन वेदर द टारगेट इज स्मॉलर देन द मिडल एलिमेंट और टारगेट इज ग्रेटर देन द मिडल एलिमेंट. तो यहाँ पे ये मैंने आपको बाइनरी सर्च वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट आप मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे, फिर आप देखोगे जो मिडल एलिमेंट है और वो आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो उससे बड़ा है या उससे छोटा है. अगर उससे छोटा है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सर्च करना है, आप राइट हैंड साइड को क्या करोगे, कट कर दोगे. और अगर वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो आप राइट हैंड साइड वाला सर्च करोगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले लिस्ट को कट कर दोगे, राइट? और ऐसे ही अगर आप राइट हैंड साइड पे कर रहे हो, मान लो आपका बड़ा एलिमेंट है तो इसमें भी आप एक मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करोगे, फिर उसमें आप लेफ्ट एंड राइट देखोगे कि कौन सा कट करना है. ऐसे क्या होता है, आपका जो लिस्ट है या एरे है आप उसको हाफ एंड हाफ में डिवाइड करते चले जाते हो, उसको शॉर्ट करते चले जाते हो, उसको स्मॉल करते चले जाते हो, राइट? वी कंटिन्यू दिस अनटिल अ मैच इज फाउंड. और ये आप कब तक कहते हो करते हो, जब तक कि मैच नहीं मिल जाता और द साइज ऑफ द एरे रिचेस वन, या आपका जो लिस्ट का साइज है, एरे का साइज है, वो एक एलिमेंट का नहीं रह जाता, राइट? ओके, अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब यहाँ पे आपके पास तीन केसेस हैं. बेस्ट केस है आपका ऑर्डर वन, ओके. द बेस्ट केस अकर व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट एरे. बेस्ट केस कब माना जाएगा, जब आपने क्या किया, लिस्ट को आपने डिवाइड किया, ओके, आपने मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया और जो भी आप सर्च कर रहे हो एलिमेंट उसके अंदर उसको आपने मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर किया. अगर मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करते ही इसका मैच हो गया, राइट, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका बेस्ट केस होगा, ऑर्डर वन. Since only one comparison is needed, the time complexity is order one. तो यहाँ पे सिर्फ एक comparison हुआ, इसलिए इसकी time complexity क्या है, order one. Okay.
नाउ अब आपका वर्स्ट केस क्या है? द वर्स्ट केस अकर व्हेन द एल्गोरिथम कीप्स ऑन सर्चिंग फॉर द टारगेट एलिमेंट अंटिल द साइज ऑफ द एरे रिड्यूसेस टू 1. तो वर्स्ट केस में क्या है, आपको अगेन एंड अगेन मिड एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, फिर लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. मान लो आपको लेफ्ट को कट करना है, राइट को आपको सर्च करना है, अगेन राइट वाले पार्ट में आप मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करोगे, इसमें भी आप कट करोगे कुछ पार्ट लिस्ट का और कुछ पार्ट के अंदर आपको सर्च करना है. तो यहां पे क्या कर रहे हो आप, अगेन एंड अगेन सर्चिंग कर रहे हो. सिंस द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड इज लॉग एन, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर लॉग एन. तो यहां पे नंबर ऑफ जो सर्च हो रहे हैं, ठीक है, वो कितने हो रहे हैं, लॉग एन. इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, ऑर्डर लॉग एन, ठीक है, ऑर्डर लॉग एन, और आप कह सकते हो ओ ऑफ लॉग एन, बिग ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है. अब इसको आप लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हो, जहाँ पे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द इनपुट डेटा इन ईच स्टेप. दो जो इनपुट होता है, जो लिस्ट है या जो भी एरे आप ले रहे हो, उसका आप साइज हर बार आप क्या करते हो, उसके साइज को रिड्यूस करते चले जाते हो, राइट. तो यहाँ पे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों, क्योंकि आपको बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार उसको डिवाइड करना पड़ रहा है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, राइट. नेक्स्ट वी हैव द एवरेज केस. एवरेज केस भी आपका क्या है, ऑर्डर लॉग एन. बाइनरी सर्च हैज एन एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर लॉग एन, क्योंकि एवरेज केस में भी आपको नहीं पता कि आपका एलिमेंट कहाँ मिलेगा. तो वर्स्ट केस के ही तरह आप कंटिन्यू करोगे, अगेन एंड अगेन यू विल स्प्लिट योर एरे, यू विल स्प्लिट योर लिस्ट, ओके, और यू कैन डिवाइड योर लिस्ट इंटू हाफ हाफ पार्ट्स, राइट, ओके. अब यहाँ पे बाइनरी सर्च की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मींस बाइनरी सर्च कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है मेमोरी का, जब बाइनरी सर्च को एग्जीक्यूट किया जाता है. सिंस नो एक्स्ट्रा स्पेस इज नीडेड, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च इज ऑर्डर 1. बाइनरी सर्च की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर 1 है. क्यों, क्योंकि जो भी आपकी लिस्ट है वो मेमोरी में एक बार स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, उसके बाद आप इसके अंदर डिवाइड एंड रूल प्रोसेस करते रहोगे, डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोसेस करते रहोगे, बट यहां पे कोई एक्स्ट्रा एड ऑन आप यहां पे इनपुट नहीं डाल रहे हो, राइट. यहां पे एक्स्ट्रा इनपुट नहीं आ रहा है, यहां पे एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, तो बाइनरी सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर 1 रहेगी, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी, ओके. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.